स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर टिश्यू। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को स्टडी करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इट इज टिश्यू। नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स का ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है, क्या इसमें सेम सेल्स हैं कि डिफरेंट सेल्स हैं? डिपेंड करता है किस टाइप का टिश्यू है। सेम सेल्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट सेल्स भी हो सकती हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं तो उनका ओरिजिन जरूर सेम होगा, सेम ओरिजिन होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन? अगर सेल थ्योरी का आपको लास्ट पॉइंट याद हो, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं वो पहले जो एग्जिस्ट कर रही होगी सेल, वही डिवाइड करेगी तभी नई सेल्स बनेंगी। तो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं, तो किसी ना किसी सेल में डिवीजन हुआ होगा तभी तो ये बना हुआ होगा, तो उसका ओरिजिन सेम है, सेम ओरिजिन से बनी हुई है, बाद में ये डिफरेंट हुई है। ठीक, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो सेल्स आपकी सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर डिफरेंट है तो उनका सेम ओरिजिन होगा एंड ये सारी की सारी सेल्स सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। ये सेल्स आपके सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स और डिफरेंट सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। क्लियर है? देख लेते हैं एक बार टिश्यू की यहाँ पे डेफिनेशन को, क्या लिखा है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, क्या है? या तो स्ट्रक्चर सेम होगा या ओरिजिन सेम होगा। ठीक, परफॉर्म क्या कर रही होंगी? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी। आपके बुक में लिखा होगा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स या सिमिलर सेल्स, लेकिन वहीं पे ही हम आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड भी करेंगे कि सिमिलर सेल है, डिफरेंट सेल क्यों नहीं हो सकती। ठीक, जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। तो आपका क्या है? ग्रुप है ऑफ सेल, सेम सेल भी हो सकती है, डिफरेंट सेल भी हो सकती है। अगर वो डिफरेंट सेल है तो सेम ओरिजिन होगा, जिस सेल से वो बनी होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट बाद में उनका मैचुरेशन होगा, बाद में वो अलग अलग डिफरेंशिएट हुई होंगी, तो पहले जो ओरिजिन होगा वो सेम होगा और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी। क्लियर है टिश्यू की डेफिनेशन? ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, आप नीचे डायग्राम देख रहे होगी, ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। कैसे किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू और सेल्स और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम अरेंज है, किस लेवल, क्या लेवल है, किस तरह से ये अरेंज है? तो सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो ऊपर आपकी प्लांट की सेल बनी है, नीचे एनिमल की सेल बनी है। ग्रुप ऑफ सेल सेकेंड नंबर पे बना हुआ है, फर्स्ट नंबर पे सेल थी, फर्स्ट नंबर पे सेल थी, सेकेंड नंबर पे ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, इट इज टिश्यू। टिश्यू के बाद वो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन का पार्ट है, वे टिश्यू है, टिश्यू एक पूरा फंक्शन कर रहे होंगे, टिश्यू भी मिलके तब क्या बनाएंगे? ऑर्गन। तो ये जो इतना पार्ट टिश्यू था, ये लीफ का पार्ट था, लीफ इज अ ऑर्गन। ये जो आपकी मसल्स का यहाँ पे टिश्यू है, ये आपका किसकी मसल है? हार्ट की मसल है, हार्ट इज अ ऑर्गन। तो टिश्यू आपका एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं थर्ड नंबर पे। ऑर्गन से क्या बनता है? आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। सी, लीफ क्या बनाएंगी? शूट सिस्टम को बनाएंगी, शूट सिस्टम को। ठीक, हार्ट क्या बनाएगा आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाएगा, का पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके अलग अलग ऑर्गन आते हैं, ब्लड वेसल आता है, ठीक, हार्ट आता है, सेम शूट आपका सिस्टम है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होंगे पूरे प्लांट में और एनिमल की बॉडी में। शूट सिस्टम हो गया, और प्लांट में क्या होगा? रूट सिस्टम होगा, भाई रूट भी होगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये ऑर्गन से पहले तो सिस्टम बनेंगे और सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे पूरा क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन सिस्टम को बना अगर लगा देंगे तो पूरा का पूरा क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा, प्लांट या फिर ह्यूमन। ठीक, तो ये आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या हो गया? ऑर्गन। ऑर्गन से आपके डिफरेंट ऑर्गन एक तरह से काम कर रहे होंगे तो ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? प्लांट हो गया। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम हो गए, तो ये सारे सिस्टम एक साथ एक बॉडी में फिट कर दिए गए तो क्या बन गया? पूरा आपका ह्यूमन बींग, ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट करते हैं आज प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू क्या है? भाई प्लांट का टिश्यू इज प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में आपका दो टाइप का टिश्यू में मेजर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू।
एक प्लांट जब ग्रो करेगा तो वहां पे न्यू डिवाइडिंग सेल्स चाहिए होगी। क्या आपने देखा है कभी सीड को? क्या इस सीड में पहले से ही छोटी छोटी लीव्स, स्मॉल स्मॉल लीव्स और स्मॉल रूट्स प्रेजेंट होते हैं या स्मॉल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं? नहीं ना, यहाँ पे तो सीड है, पूरा एक सीड का स्ट्रक्चर। इसके अंदर तो कोई पूरा प्लांट बसा हुआ नहीं है, छोटा सा करके मिनिमाइज करके इसको लगा दिया गया हो। नहीं, सीड की ही सेल्स होते हैं, वही डिवाइड करेंगी, तब आपका क्या बनाएंगी, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को। तो प्लांट में जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जो डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। वी कॉल्ड इट एज अ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब जब सेल डिवाइड हो गई, डिवाइड होती चली जाएंगी क्या, कोई कोई ना कोई तो रोल प्ले करेंगी ना बाद में, तो वो डिवाइड नहीं होंगी। अब क्या होगी, वो उनमें डिविजन स्टॉप हो जाएगा। पहले वो डिवाइड करेंगी, बाद में डिवाइड होने के बाद कुछ सेल्स में, इन सम सेल्स देयर इज अ लॉस ऑफ डिविजन एबिलिटी। अब डिवाइड वो नहीं करेंगी, उनकी डिविजन वाली एबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब वो क्या करेंगी, साइज में ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पेशलाइज हो जाएंगी जो भी वो काम कर रही होंगी। सपोज यहाँ पे डिवाइडिंग टिश्यू, भाई सीड था, सीड से सीडलिंग बना छोटा सा पेड़, तो वहां पे लीव्स बन गई, तो लीव्स की सेल्स क्या फर्दर डिवाइड होकर पूरा प्लांट बनाएंगी? नहीं ना, लीव्स अब बन गई तो लीव्स की सेल अब पूरी तरह से परमानेंट हो गई है। एग्जाम्पल आप अगर हम लेते हैं, सपोज आप लोग ये अभी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी क्लास में साइंस स्टूडेंट भी है, आपके स्कूल में, सॉरी स्कूल में साइंस स्टूडेंट भी है, कॉमर्स स्टूडेंट भी है, ठीक। उनका स्ट्रीम अलग है, आपका स्ट्रीम अलग है। फिर उसके बाद आप 11th क्लास में जाओगे, आप कुछ बच्चे बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे, कुछ बच्चे आपके मैथ्स ऑप्ट करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में रहेंगे। फिर उसके बाद आपका अलग अलग फील्ड में डिविजन होगा। आफ्टर 12th, अगर हम बोल रहे हैं आफ्टर 12th मैथ वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग की लाइन में चले गए, तो वो क्या हो गया, स्टार्टिंग में वो पढ़ रहे थे, हाँ स्ट्रीम चेंज कर रहे थे, लेकिन अभी स्पेसिफाई नहीं होते क्या बनना है, क्या इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर बनेंगे? नहीं ना, तब तो वो स्पेशलाइज्ड हो गया ना, अब उनका फंक्शन स्पेसिफिक, वो परमानेंट हो गए। पहले कुछ चाहते तो बन सकते थे, बाद में जब उनका फील्ड अलग होता चला गया, अब बायोलॉजी लेके इंजीनियर कौन बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो बाद में बायोलॉजी तो ली पढ़ी, बायोलॉजी लेके वो क्या क्या बन सकते थे, क्या क्या बन सकते थे, फार्मासिस्ट बन सकते थे, नर्स बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते थे। जब स्पेसिफाई होगा दोबारा पलट के जाएंगे क्या उस स्टेज पे? नहीं, तो पहले वो डिवाइड होंगे, मतलब एक तरह से स्ट्रीम ली, फिर उसके बाद वो परमानेंट में चेंज हुए। सेम यहाँ पे प्लांट टिश्यू के साथ भी है। स्टार्टिंग में जो सेल्स होती हैं, जो ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में आएंगी। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू। और उसके बाद उसमें से कुछ सेल्स पर ग्रोथ रुकती तो है नहीं प्लांट में, तो कुछ सेल्स डिवाइड होने वाली उनमें एबिलिटी चली जाती है, वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पेशलाइज हो जाते हैं। प्लांट का जो भी पार्ट का वो पार्ट का पार्ट होंगी, वो अपना रोल प्ले करेंगी। मेरिस्टमैटिक टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। वॉट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू? फाउंड एट ऑल द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी हम लोग ने देखा ना, डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करेगी तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। तो क्या प्लांट कहीं से भी अदरक की तरह ग्रो करता है? नहीं। प्लांट कहाँ से ग्रो करता है मेनली, पहले कहाँ से ग्रो करेगा? अगर आपने सीड सो किया तो सीड आपका इस तरह से ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली? नहीं। कैसे ग्रो करेगा? इसमें इस तरह से रेडिकल निकलेगा, व्हाइट कलर का पार्ट, ऊपर की तरफ प्लम्यूल होता है, ये पार्ट निकलता है, फिर बाद में जर्मिनेट करेगा पूरा इस तरह से, ऊपर की साइड दो लीव्स आएंगे, नीचे रूट्स है, ऊपर दो लीव्स आ गई, ये आपका सीडलिंग बन गया। तो टिप, पहले टिप से ग्रो कर रहा है ना, जब ये इस तरह से ग्रो कर जाएगा लेंथ वाइज, तो फिर आपका ब्रांचिंग होगी और थिकनेस में ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली, लेटरली सॉरी। तो टिप ऑफ रूट की टिप पे प्रेजेंट होगा, स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा, और जब आपकी इस तरह से लेटरल ग्रोथ होगी, थिकनेस वाइज ग्रोथ होगी, तो वहां पे भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो जहां जहां पे ग्रोथ चाहिए वहां पे आपका जो डिवाइडिंग के लिए टिश्यू है वही आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। और कहाँ पे है? बार्क में भी प्रेजेंट है। बार्क क्या होता है? जो आपका ट्री ट्रंक होता है बड़ा सा, उसी के ऊपर का जो थिकनेस है वही तो बार्क है। वुड ऑफ द ट्रीज वेयर इट इज लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। डायमीटर ऑफ द स्टेम, ठीक, डायमीटर भी तो बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है। अगर आपने कभी ट्री का प्लांट लगाया हो, समझ गया ना, ट्री का प्लांट, ट्री का जो बड़े बड़े हो जाते हैं उनका प्लांट लगाया हो, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल पतले 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 ग्रो करते हैं, एक साल तक तो वो ऐसे ही रहता है बिल्कुल पतला सा। बाद में जैसे जैसे वो ट्री पुराने होते हैं तो क्या होता है, उसमें थिकनेस बढ़ती चली जाती है, उसके ट्रंक बन जाता है, ट्री का ट्रंक। तो ग्रोथ कैसी हुई? पहले तो टिप वाइज हुई, फिर लेटरली हुई है, डायमीटर बढ़ रही है बाद में। तो बाद में बढ़ने के लिए भी वहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, कुछ सेल्स पीछे रह जाती है, वो ना तो डिवाइड होंगी ना ही स्पेशलाइज होंगी, वो मेरिस्टमैटिक का काम करती है, इंतजार करती है, हाँ पहले इस तरह से ग्रो हो जाए, फिर बाद में हम इसको लेटरली ग्रो करें प्लांट को।
अब हम लोग मेरिस्टमैटिक टिश्यू की सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, सेल्स आर स्मॉल, भाई यंग सेल है तो स्मॉल ही होंगी, यूजुअली ये सब क्यूबॉइडल शेप की होंगी, छोटी छोटी सेल्स होंगी। तो प्लांट की सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस तरह से तो होती है प्लांट की सेल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी अभी ये यंग बनी ही हुई है, तो यंग है तो छोटी तो होगी, बेबी होता है यंग होता है तो छोटा ही तो होता है कि बड़ा होता है पहले से ही, ठीक है। यंग सेल होगी और ये कैसा है, छोटी सी सेल है तो क्यूबॉइडल ही शेप होगा, अभी क्यूबॉइडल ही शेप होगा। सेल वॉल अब थिन होगी कि डेलिकेट होगी, बेबी अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करके बात करते हैं तो जो भी बेबी होते हैं डेलिकेट होते हैं कि बिल्कुल रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, थिन होते मतलब पतले दुबले होते, डेलिकेट से होते हैं। तो सेम यहाँ पे जो सेल वॉल है इनकी कैसी होगी, थिन होगी। अभी तो सेल बनी है ना, जब काम करेगी तब इसकी जाके सेल वॉल अंदर से सब्सटेंस कलेक्ट होगा उसके ऊपर, तब उस पे हार्ड होगी ये, थिक होगी। न्यूक्लियाई कैसा होगा, इसके अंदर लार्ज होगा। सी प्लांट सेल का लास्ट में, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो लास्ट चैप्टर का, तो प्लांट सेल में जो सबसे ज्यादा स्पेस कवर करता है वो आपका सेल इंक्लूजन है। सेल इंक्लूजन मतलब सेल में काम नहीं करेगा, स्टोरेज का काम करती है, इट इज वैक्यूल पूरा पार्ट। लेकिन अभी वैक्यूल का काम क्या है, वैक्यूल का काम होता है, वैक्यूल का वर्क होता है फूड को स्टोर करना या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना। तो अभी तो ये बनी है, कहाँ से ये फूड बना लेगी, कहाँ से वेस्ट को स्टोर कर लेगी, न्यूली फॉर्म्ड है। तो साइटोप्लाज्म में बड़ा सा, छोटी सी सेल के कंपैरिजन में आपका न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। वैक्यूल तो होगी ही नहीं, अभी तो सेल बनी है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो सेल लगातार बनती चली जा रही है, जब बनती चली जा रही है तो दूर होने का इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, फटाफट फटाफट यहाँ पे ऐसे इस तरह से डिवीजन होता चला जाता है, इस तरह से फटाफट फटाफट, तो इनके सेल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं। सेल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करती है, ये तो प्रॉपर्टी ही है मेरिस्टमैटिक टिश्यू की। न्यू सेल्स फॉर्म्ड होने के बाद क्या सारी सेल्स डिवाइड ही होती चली जाती है, अगर डिवाइड होती चली जाती है ना, हमको एक बिल्कुल मास ऑफ सेल्स मिलता, लीफ ना दिखती, रूट ना दिखती, ना शूट दिखता। भाई डिवाइड होने के साथ साथ डिवाइडिंग सेल्स तो प्रेजेंट है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स अब अपनी एबिलिटी को लूज कर देती हैं और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीफ बनाएंगी, शूट बनाएंगी, रूट बनाएंगी, स्टेम बनाएंगी, ठीक। तो बाद में कुछ मेरिस्टमैटिक सेल्स क्या हो जाती हैं, परमानेंट टिश्यू में, कुछ नहीं मोस्टली मेरिस्टमैटिक टिश्यू सेल्स परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू को देख लेते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे वो डिवाइडेड टिश्यू प्रेजेंट है, लोकेशन कहाँ पे है प्लांट में, उसके बेसिस पे तीन टाइप का है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक। देखिए क्या है, एपिकल, एपिकल मतलब टिप, टिप। अब प्लांट में टिप क्या है, देखिए ये आपका सीड था, सीड में इस तरह से ग्रोथ होती है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, फिर आपका क्या बनेगा, स्टेम वाला पार्ट इस तरह से और रूट वाला पार्ट। तो पहले ग्रोथ कहाँ से होती है, टिप से होती है, तो टिप पे प्रेजेंट होगा जो टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। पार्ट में टिप वाइज, लेंथ वाइज जब ग्रो कर गया तो लेटरली ग्रो करता है। भाई ट्री का एग्जाम्पल बताया ना, ट्री पहले प्लांट किया तो बिल्कुल पतला 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 स्टेम जा रही होती है, बाद में ट्रंक बनता है, तो ट्रंक आपका डायमीटर वाइज ना लेटरली ग्रो कर रहा है, तो वहां पे बाद में लेटरल मेरिस्टेम काम करेगा, तो वो इसका नाम ही क्या रख दिया, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, साइड से ग्रो करेगा। और फिर ब्रांचिंग भी तो होती है प्लांट में, तो जब ब्रांचिंग होगी तो बीच बीच में नोड्स के बीच में आपका नोड्स क्या होते हैं, देखिए आप स्टेम में देखिएगा इस तरह से नोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, आपको शुगर केन में तो इजिली दिखते हैं ये पार्ट, ये गाट, नोड्स मतलब गाट, इनके बीच बीच में आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जहां से ब्रांचिंग होती है, न्यू ब्रांच निकलती है, तो वहां पे जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। डायग्राम से देख लीजिए तीनों मेरिस्टेम को, ये आपका टिप ग्रोइंग रीजन का दिखा दिया गया है, एपिकल मतलब टिप पे प्रेजेंट है, तो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नोड्स के बीच में यहाँ से आपकी निकल रही है ये वाला टिश्यू, ठीक, इसको एक सेकेंड हाईलाइट कर दें, इतना टिश्यू ये वाला, ये आपका यहाँ से ब्रांच निकल रही है, आपका क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और ये जो इस तरह से ये प्रेजेंट है साइड वाइज, ये आपका कैसे ग्रो करेगा, इस तरह से प्लांट ग्रो करेगा, लेटरली ग्रो करेगा, तो ये आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो हमने पूरा मेरिस्टेम पढ़ लिया है जो आपके सिलेबस में है। तो मेरिस्टेम आपका क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू कैसी होंगी, यंग सेल्स होंगी, थिन सेल वॉल होगी, और टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे।